नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास भवन पहुंचकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन से जुड़े सैकड़ों ग्राम प्रधानों के द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और अनिश्चितकालीन तक कार्य बहिष्कार की घोषणा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने आरोप लगाया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान भी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अनावश्यक दबाव डालकर ग्राम प्रधानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। शासन स्तर से संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जनपदों के नियम अनुसार किया जा रहा है, परंतु किसी भी अन्य जनपद में योजनाओं के क्रियान्वयन इस तरह का अनावश्यक दबाव में नहीं डाला जा रहा, किंतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपनी हर धर्मिता दिखाते हुए जबरदस्ती योजनाओं के क्रियान्वयन करने का दबाव बनाया जा रहा है। इस संबंध में सभी ग्राम प्रधानों ने अनिश्चितकालीन तक कार्य बहिष्कार की घोषणा करते हुए धरना प्रदर्शन किया और गेट पर तालाबंदी भी की। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने मांग की है कि विकास खंड चरथावल के ग्राम प्रधानों पर RTI कार्यकर्ता द्वारा जो फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है उसे पंच किया जाए, राज्य वित्त का 4% गौशाला पूर्ण धनराशि को बंद किया जाए, ICC निर्माण कार्य की वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति दिलाई जाए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधान मौजूद रहे और कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती यह धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। समस्याएं तो प्रधानों के पास पिछले 3 साल से निरंतर चली आ रही। सबसे पहली समस्या तो यही है कि जो हमें राज्य और केंद्रीय वित्त मिलता था उसमें लगभग 52% की कटौती हमारी कर ली गई। उसके बावजूद विकास कार्य जो अपनी कार्य योजना हम लोग बनाते थे और उससे विकास करते थे उसे बाधित करके शासन प्रशासन की मंशा यह है कि इम्प्लीमेंट जो ये थोपते हैं वही काम हम करें, अपनी कार्य योजना को दरकिनार कर दें, जबकि संविधान में हमें हक है अपनी कार्य योजना तैयार करने का और उसे इम्प्लीमेंट करने का। आज इतने त्रस्त हैं प्रधान के तरह तरह के काम उन पर थोप दिए जा रहे, ऐसे ऐसे विचार पता नहीं कहां से वो पनप रहे के पंचायतों में कूड़ा सेग्रीगेशन के लिए 50-50 रुपए घर घर से इकट्ठा करे। गांव में कितने गरीब लोग रह रहे, उनके पास अगर 50-50 रुपए होते तो वे गांव में ही क्यों रहते, वे शहर में निवास करते। तो बहुत बुरा हाल है। एक लीज पिट जैसी योजना जिसे गांव वालों को कहीं भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गांव में जगह किसी के पास 50 गज का प्लॉट है, उसी में नलका उसी में शौचालय और उसी में लीज पिट बना दे तो वो पानी दूषित होगा जो पानी पीने का उसके पास होगा। या गलियों में गहरे बना दे, गलियों में 10 फुट की गली है, 10 फुट की गली में बीच में टंकी की लाइन जा रही, अगर वो लीकेज होगी, टंकी की लाइन निरंतर लीकेज होती रहे और वो लीकेज होगी उसके पास से जहां हम वो बनाएंगे लीच पिट, तो वो गंदा पानी क्या गांव की जनता को पिलाओगे? तो हमारे जनता को ही हमसे लड़ाने का काम शासन प्रशासन अपनी मनसा दिखा रहा। तो हम त्रस्त होकर आज हम और हमारे गाँव की जनता सब त्रस्त है और एक आंदोलन का रूप, ये बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेने जा रहे। आप धरने बैठे हैं, आपको कोई अधिकारी आपसे मिलना है? अभी तक कोई अधिकारी हमसे मिलना नहीं आया। गेट पर ताला मारने का कारण था? गेट पर ताला मारने का कई कारण है, हमारे साथी भी विचलित हो रहे थे और हमारे कुछ साथियों ने अखबार ज्यादा आवागमन ना हो, मैं छोटा गेट खुला हुआ है, मेन गेट बंद है। तो जब प्रशासन तानाशाही दिखा रहा तो मुर्दाबाद के नारे किसके लिए लगेंगे? लोकतंत्र में सबको अधिकार है क्या? लोकतंत्र में पहली बार ऐसे नारे लग रहे? सबको अधिकार है लोकतंत्र में, इसी को तो लोकतंत्र कहा जा। क्या निर्णय लेने जा रहे हैं प्रधान संगठन? प्रधान संगठन की जो मांगे हैं शासन प्रशासन उन्हें मानेगा, ठीक है, नहीं मानता तो अनिश्चितकालीन धरना और उसके बाद अपने अस्थि पे यही कर लिया फिर काम। मुख्य मांगे लीज पिट का कार्य हम अपनी पंचायतों में बिल्कुल नहीं करावेंगे, 50-50 रुपए जैसी भीख मांगना प्रधानों के व्यवस्था के भी बिल्कुल खराब है, कोई नहीं देगा। हम अपनी जनता से बिल्कुल भिड़ने को तैयार नहीं, जिनसे हमने हाथ पैर जोड़ के वोट मांगी आज हम उनसे लड़ेंगे, ऐसी हमारी स्थिति नहीं है। 3 साल करीब हो चुके हैं प्रधान योजना को, अब तक कितने विकास कार्य या विकास कार्य किस हिसाब से करवाते? जब हमारी निधि नहीं बच रही, हमारी जो निधि पे डंका डाल दिया 4% तो हम गौशालाओं के लिए दे रहे हैं उस निधि में से ही, केयर टेकर की तनख्वाह उसी निधि में से जा रही और हमारा जो सहायक रखा गया उसकी भी तनख्वाह उसी में से जा रही, ई रिक्शा का बिजली का बिल जो 40% काट लिया उसे भी वापसी करवाओ, सारी चीजें इसी निधि में से हो रही। तो उनका खर्चे का पूरा पड़े या विकास करवाओ आप बता दो? तो विकास कराने का तो हमारा जो मोटिव था वो सारा ही खत्म कर दिया इन्होंने। तो आपकी तो मुख्य मांग है, अगर ये नहीं मानी गई तो धरना कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन, कोई पता नहीं कब तक चलो। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।